को नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की समीक्षा बैठक होगी। बैठक के बाद निर्वाचन डेट भी घोषणा की जाएगी। नगरीय निकाय के चुनाव इस साल नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित हैं। बैठक में राज्य के सभी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, आईजी, संभागायुक्त और निर्वाचन अधिकारियों को बुलाया गया है। बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव मौजूद रहेंगे। बैठक में निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। की बैठक में जो निर्वाचन की तैयारियां हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। तैयारियों में पहले चुनाव नगरीय निकाय के हैं, उसके बाद पंचायतों के हैं, तो निर्वाचन आयोग की काफ़ी लंबा एजेंडा होता है। उसके बारे में कलेक्टरों को 2 माह से पत्राचार है। मैदानी स्तर पर क्या तैयारी हुई और उसकी कैसी स्थिति है तैयारी की, तो आयोग अपनी संतुष्टि भी करता है और उसमें कोई कमी। रायपुर साहब गोहर बता रहे हैं, जहां पर नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की समीक्षा बैठक होगी। बैठक के बाद निर्वाचन डेट की भी घोषणा की जाएगी। नगरीय निकाय के चुनाव इस साल नवंबर दिसंबर में होने हैं। बैठक में राज्य के सभी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, आईजी, समायुक्त और निर्वाचन अधिकारियों को बुलाया गया। बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव मौजूद रहेंगे। बैठक में निर्वाचन की समीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। रायपुर में राज्य निर्वाचन आयोग की समीक्षा बैठक होनी है। निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान यहां किया जाएगा। नवंबर दिसंबर में निकाय चुनाव होने हैं। गुरुवार को ये बैठक होगी जिसमें चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। तमाम बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद निर्वाचन तिथि की घोषणा की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से सत्या राजपूत लाइव जुड़ गए हैं। सत्या, राज्य निर्वाचन आयोग की कल गुरुवार को बैठक है, क्या कुछ इस बैठक में होगा कल? ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक के बाद हो सकता है कि यह चुनाव डेट का ऐलान हो सके, इसीलिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आज हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने ये प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई थी जिसमें रमन सिंह शामिल हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई और उसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। तो इस तरह पार्टियों ने कमर कस ली है, उम्मीदवार अपने बायोडाटा बनाने लग गए हैं। और बैठक की बात करें तो बैठक कल शाम 4 बजे सर्किट हाउस में होना है और इसके राज्य निर्वाचन आयुक्त और सचिव और पुलिस महानिरीक्षक डीएम अवस्थी इस बैठक को लेंगे। तो इस तरह इसमें चुनाव में क्या जरूरत है, किस तरह की आवश्यकताएं हैं और इसके ये समीक्षा की जाएगी और आगे के चुनाव के लिए रणनीति बनाई जाएगी। तो सत्य, इस बैठक में क्या कुछ खास रह सकता है तो और आगे जो निकाय के चुनाव होंगे उनकी तारीखों का ऐलान किया जाएगा, क्या कुछ रणनीति इस बैठक के जरिए बनाई जाएगी? जी बिल्कुल, ये बैठक बहुत खास रहेगा और इसके जरिए ये पूरे जो रणनीति रूपरेखा जो है तैयार किया जाएगा कि किस तरह से बैलेट पेपर की तैयारी है, कि मतदान की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर होगी और जैसे कि वाहन अधिग्रहण को लेकर इस तरह की तमाम तरह की समीक्षा की जाएगी और जो भी खामियां पाएगी उसका पुनः उससे तैयारी का आदेश दिया जाएगा। तो इस तरह इसमें हम बात करें तो बीजेपी जो राज्य सरकार ने जो नया संशोधन किया है, जो नए नियम लाए गए हैं कि पहले महापौर और अध्यक्ष चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता था, अब वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा, इसका संशोधन नियम के रूप में आ चुका है और इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पूर्ण तैयारी कर ली है। सत्य, जिस तरह से नक्सल इलाकों में चुनाव कराना सरकार के लिए और निर्वाचन आयोग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, तो नक्सल इलाकों में इस बार निकाय चुनाव के लिए क्या कुछ रणनीति निर्वाचन आयोग की रहेगी, क्योंकि बहुत चुनौती हो जाती है चुनाव कराने के लिए? कि इसके लिए जो निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग है बहुत ही संवेदनशील है, इसीलिए उन्होंने 2 माह पहले ही पुलिस अधीक्षक, वहाँ के कलेक्टर को पत्राचार किए थे उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, वहाँ से वहाँ की वोटर की जनसंख्या, वहाँ की स्थिति, कितने संवेदनशील एरिया हैं, कितने अति संवेदनशील एरिया हैं उनकी जानकारी मांगी है, जो कल पुलिस विभाग लेकर वहाँ मौजूद रहेंगे, उसकी समीक्षा होगी कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से होगा, मतदान केंद्र की सुरक्षा के लिए कि क्या रणनीति अपनाई जाएगी, जो वहाँ चुनाव निर्वाचन टीम जाएगी उसके लिए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, ये तमाम बातें वहाँ होगी। शुक्रिया सत्या, जानकारी को साझा करने के लिए।
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य